पे स्मार्ट सिटी लिखा गया है। यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए गए हैं कि दिल्ली में जो है वुडन वर्क काफी कम होता है, वहाँ पे कीड़ा लग जाता है वुड में, दीमक उसको बोलते हैं। वो प्रॉपर वुड का बेस है इसका, ठीक है ना, कुछ भी कंक्रीट नहीं है, सारा वुडन है, वुडन बेसिस पे ये स्टैंड हुआ है। बट इस पे दिस वाज नॉट दी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, ऑब्जेक्टिव कुछ और था। ओ हाँ जी गाइज, की हालचाल, सब बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइज आज का मैं आपको बताना चाहूँगा आज मैं क्या एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। आज मैं आई वुड से इट्स वेरी नियर बाई टू श्रीनगर सिटी, जो लाल चौक एरिया है, ओल्ड ब्रिज मैं आज मतलब एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। दिस इज दी वुडन ब्रिज, ठीक है, तो ये सारा का सारा वुडन ब्रिज है। सो बिफोर एक्सप्लोरिंग दिस ब्रिज, इसके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री देना चाहूँगा। ये जो ब्रिज है इसको ओल्ड ब्रिज कहा जाता है, एंड इसके बगल में जो है वो वहाँ पे नया ब्रिज है, थोड़ा बहुत क्लोज शॉट आपको देना चाहूँगा। हाँ, तो ये नया ब्रिज है एंड दिस इज दी ओल्ड ब्रिज। तो अर्लियर क्या होता था, अर्लियर मतलब पूरा ट्रैफिक जो है, ट्रांसपोर्ट जो है, यहीं से लाइक मतलब गुजरता था। तो इट्स प्रॉपर कंक्रीट है ये, इसके नीचे रोड आई वुड से प्रॉपर मतलब रोड डली हुई है, बट इसको आई वुड से मतलब रिनोवेट किया गया है। पूरा वुडन फर्नीचर इस पे डाला गया है, आप देख सकते हैं सारा वुडन फर्नीचर इस पे डाला गया है फॉर वॉकिंग पर्पस, राइट। तो ताकि मतलब जितनी भी पब्लिक है वो यहाँ से मतलब एक्सप्लोर करे, एंजॉय करे, राइट, दैट्स द मेजर ऑब्जेक्टिव। तो बस आपको लाइक मतलब स्टार्टिंग से इसका व्यू देना चाहेंगे, कहाँ से इसकी एंट्री है। तो बस मिलते हैं हम हियर, इट स्टार्ट्स, ठीक है। तो ये इसका गेट है इस ब्रिज का, तो इट्स मेजरली फॉर आई वुड से फॉर वॉकिंग पर्पस, एंड यहाँ पे स्मार्ट सिटी लिखा गया है। ऑल दो एज पर माई नॉलेज ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो नहीं था, लाइक काफ़ी समय पहले बनाया गया था, बट मे बी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू इसको थोड़ा बहुत रिनोवेट किया हो, बट काफ़ी समय पहले, ऑलमोस्ट 6-8 साल पहले इसको बनाया गया है, ठीक है। तो बस अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी अच्छा ब्रिज था ये, अभी मतलब लाइक आई सेड कि अभी नहीं ये बना हुआ है, काफ़ी पहले बना हुआ है, बट जब ये बना हुआ था तब काफ़ी ज़्यादा नया था। तो यहाँ से हमारा ये रिवर है, जहलिम रिवर है ये, ठीक है। तो आगे वो ब्रिज रहा, दैट्स मेजरली फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस, बट काफ़ी समय पहले, काफ़ी सालों पहले ये वाला ब्रिज इस्तेमाल किया जाता था। तो बस अभी आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट जो है, फॉरेनर्स जो है वो आए हुए हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग। यहाँ पे बॉक्सेस है बैठने के लिए, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, लाइक आई सेड कि मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, राइट, पब्लिक वॉकिंग के लिए टूरिस्ट्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए गए हैं फॉर आई वुड से फॉर सिटिंग पर्पस। तो ये जितना अभी वुडन वर्क है ना, तो कुछ शेयर करना चाहूँगा मैं आपके साथ। एज पर माई नॉलेज मैंने ये चीज़ देखा है दिल्ली में, कि दिल्ली में जो है वुडन वर्क काफ़ी कम होता है, वहाँ पे कीड़ा लग जाता है वुड में, दीमक उसको बोलते हैं, वो अंदर ही अंदर से लकड़ को खा लेता है, ठीक है। बट यहाँ पे श्रीनगर की एक स्पेशलिटी है, यहाँ पे देवदार वुड का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी महंगी है वो, आई वुड से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल, उससे ज़्यादा महंगी कोई वुड है नहीं, बिकॉज स्पेशलिटी उसकी यही है कि उसका लाइफ जो है काफ़ी लंबा चलता है, मोर देन 100 ईयर्स। तो ये सारा का सारा जो है इट्स ऑल आई वुड से देवदार वुड। और यहाँ से ये हाउस बोट्स है, दीज आर नॉट फॉर रेंट पर्पस, इट्स बीन ऑलरेडी कन्वेड इन अदर वीडियोज ऑल्सो। तो बस ये ज़्यादा बड़ा ब्रिज नहीं, अभी आगे की ओर जाते हैं, उस साइड का भी व्यू आपको दिखा देते हैं। देन ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको थोड़ा बहुत नीचे वाला व्यू भी दिखाएंगे कि ये ब्रिज जो है इसका बेस क्या है। जो इस ब्रिज का बेस है दैट्स वुडन बेस, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, दिस इज़ रोड, ठीक है, ये प्रॉपर रोड है, इसके ऊपर फ्लोरिंग की गई है, ठीक है। बट जो इसका मेन बेस जो है, ये जो पिलर्स जो है इसके, वो वुडन पिलर्स है, ठीक है, पिलर्स जो है वो कंक्रीट नहीं है। तो ये बॉक्सेस जो है काफ़ी अच्छे, ये सारा जो वर्क है इट्स ऑल आई वुड से वुडन वर्क, वुडन पर्टिकुलरली देवदार वुड, ये सारा का सारा देवदार वुड है, आपको देना चाहेंगे क्लोज शॉट्स, दिस इज़ ऑल देवदार वुड। इसको धूप से कुछ नहीं होता है, पानी से कुछ नहीं होता है, ये वो वाली वुड है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके हाउस बोट्स बनते हैं, राइट, इट्स वेरी ऑब्वियस, हाउस बोट्स रेगुलर बेसिस पे तो नहीं बनाए जाएंगे, फॉर आई वुड से 100 ईयर्स के लिए बनाया जाता है, 100, 200, 150 ईयर्स के लिए बनाया जाता है। तो वुड का जो इस्तेमाल किया जाता है दैट्स दी देवदार वुड। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये सारे रहने वाले हैं, ठीक है, उस साइड का भी आपको व्यू देना चाहेंगे, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं इसी के साथ कनेक्टेड है, जो यहाँ से पब्लिक वॉकिंग करते हैं। तो बस
बियॉन्ड बाउंड्रीज, और यहाँ पे जो है ये एंड होता है। ठीक है, तो बस अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी आई वुड से ज़्यादा रश नहीं है ड्यू टू आई डोंट नो क्या रीज़न है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा भरा रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है इस ब्रिज पे। आज क्राउड नहीं है, तो यहाँ पे भी रिनोवेशन ही चल रहा है, मे बी ये भी स्मार्ट सिटी का ही कुछ ना कुछ इसका हो। यहाँ पे नई रोड डल रही है, और यहाँ पे वी हैव सम गुड रेस्टोरेंट्स, ज़ीरो इन है, क्या क्या है मैं खुद भी देख लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ से ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और अब इस साइड से जाते हैं और साइड से भी एक्सप्लोर करते क्या है। क्विकली लेट्स एक्सप्लोर दिस साइड। हाँ, तो लाइक ए साइड, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि इस पे कंक्रीट रोड जो है वो डला हुआ है, बट जो इसका बेस है दैट्स प्रॉपर वुड, राइट। ये देखिए थोड़ा बहुत क्लोज शॉट्स आपको, ये देखिए ये क्लोज शॉट रहा, लाइक ए साइड प्रॉपर वुड का बेस है इसका, ठीक है ना, कुछ भी कंक्रीट नहीं है, सारा वुडन है, वुडन बेसिस पे ये स्टैंड हुआ है, बट इस पे पहले रोड डली हुई थी, कंक्रीट रोड आई वुड से। तो बस अभी पब्लिक वॉकिंग के लिए है, और ये अभी का प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। आई थॉट इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, वाई शुडंट वी कैप्चर दिस इंस्टेंस, और हमारी पब्लिक को भी जानने को मिलेगा, ठीक है। तो बस आप खुद देखिए, ये वुड जो है ये पानी में है, एंड आई गेस मोर देन 100 ईयर्स इसको हो चुके होंगे, 100-150 साल। रीज़न बीइंग बिकॉज ये देवदार वुड है, इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसको पानी से कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा और क्लोज शॉट्स आपको देना चाहेंगे, ये देखिए पानी में ये स्टैंड हुआ है, पानी में है ये, और इसे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बस, और दैट साइड वी हैव द न्यू ब्रिज, ठीक है, जो प्रॉपरली ट्रांस आई वुड से कंक्रीट ब्रिज है, जिसको हम ज़ीरो ब्रिज कहते हैं। तो गाइज़ आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा मैं, एक्चुअली आई वुड से द पर्पज़ टू कम ऑन सोशल मीडिया ये था कि अपनी पहचान बनाएंगे, ठीक है, व्लॉगिंग करेंगे, डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, बट जो ग्राफ था वो ये देखने को मिला कि उस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, कोई देख नहीं रहा था, राइट। तो ड्यू टू दैट रीज़न आई वुड से जेन्युइनली सेइंग मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ वाइल एक्सप्लोरिंग वाइल कैप्चरिंग ऑल दीज इंस्टेंसेज, वो स्मार्ट सिटी का इंस्टेंस हो या फिर इस ब्रिज का हो, वुडन ब्रिज का इंस्टेंस हो। पर्पज़ ही ये था कि घूमेंगे, आउट से कैप्चर करेंगे डिफरेंट मोमेंट्स, बट आउट से जो ग्राफ था वो सही नहीं जा रहा था, तो बस क्या करेंगे, देखते क्या किस्मत में रखा होगा, और बस कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट बनाए रखे, बिकॉज जेन्युइनली सेइंग दिस वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, ऑब्जेक्टिव कुछ और था। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम नॉट फुल टाइम ऑन यूट्यूब, ठीक है, फुल टाइम मैं यूट्यूब पर नहीं हूँ। बस आप इन्जॉय कर लीजिए, यहाँ वाला व्यू आपको दे देते, ये देखिए यहाँ से पूरा जहलम रिवर में जो है हाउस बोट्स है, ठीक है, और ये सोलर क्या बोलते हैं इसको, सोलर पोल्स है, ठीक है। आई वुड से मैं इसको कैप्चर क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मोर और लेस इट्स आल्सो कनेक्टेड विद दैट ब्रिज, ठीक है, उसी के साथ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ये नया ब्रिज है और वो पुराना ब्रिज है, तो बस इफ़ वी गोना कंटिन्यू आई वुड से वॉकिंग ऑन दिस पाथ, तो आई बिलीव कि हमें डायरेक्टली लाल चौक के साथ कनेक्ट करेगा, एंड अभी हमें लाल चौक जाना नहीं है, ठीक है। तो बस अभी यहाँ से थोड़ा बहुत दिखा देते हैं आपको हाउस बोट्स, तो ये प्रॉपरली रहने के लिए है, ठीक है, दीज आर नॉट फॉर रेंट पर्पस। यहाँ वाला पानी साफ नहीं है, बट जो डल लेक वाला पानी है दैट्स 1000 times आई वुड से ज़्यादा वो मतलब क्लियर है, ठीक है ना, साफ पानी है इससे। तो बस गाइज ये वाला साइड भी मैंने आपको दिखा दिया है, और बस और क्या बताएं। तो बस गाइज एंड करना चाहूँगा इस इंस्टेंस को, ये जो ओल्ड वुडन ब्रिज है, और बिफोर एंडिंग दिस इंस्टेंस को शेयर करना चाहूँगा, ओल्ड सिटी आउट से जो ओल्ड सिटी है डाउनटाउन है, वहाँ पे भी एक ऐसा ही ब्रिज बनाने वाले है अभी आउट से, दैट्स पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट नेम, पता ही नहीं कौन सा कदल उसको बोलते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा है उसका याद, बट उसको भी सेम बनाएंगे जैसे कि ये वाला ब्रिज है, बिकॉज वहाँ पे भी डाउनटाउन में भी काफ़ी पुराने ब्रिजेस हैं और नए ब्रिजेस हैं, रिनोवेटेड ब्रिजेस हैं, कंक्रीट ब्रिजेस हैं, तो उन्हों में से एक ब्रिज को वुडन आई वुड से इंफ्रास्ट्रक्चर वो देने वाले हैं फॉर पब्लिक वॉकिंग, ठीक है। तो बस कीप सपोर्टिंग द कश्मीरी ब्रांड अली ग्लिटर्स, मिलते हैं आपसे इन सम न्यू व्लॉग विद सम न्यू स्टोरी लाइन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।
गाइस यहाँ पे एक फेमस आई वुड से क्या बोलते हैं स्ट्रीट फूड है जिसको मसाला रोटी कहते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। आई बिलीव जब मैं लास्ट टाइम आया था तब यहाँ पे नहीं सेल हो रहा था, बट आज सेल हो रहा है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये रहा तो गाइस ये रही जी मसाला रोटी, कितने का है? 20 का फुल लवासा। हाँ। तो गाइस देखिए इसमें क्या क्या है, ये लवासा रहा राइट, और ये चटनी है, और ये प्याज की चटनी है, और ये दिखा दो भैया, और ये मसाला है ठीक है, इसको क्या बोलते हैं चन्ना मसाला, चन्ना मसाला। तो यही इसकी रेसिपी, ये काफ़ी फेमस है, रीजनेबल है, 20 रुपीज़ का मिलता है पर लवासा। तो बस एंड करते हैं इस इंस्टेंस को,